अगर आप गेमिंग करने के लिए अच्छा टैबलेट खोज रहे हैं जिसका बजट 20,000 के अंदर हो, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे टैबलेट बताने वाला हूँ जिसपे आप गेमिंग कर सकते हैं। तो चलो यार आज की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। हमारी लिस्ट का सबसे पहला टैबलेट है रेडमी पैड, जिसमें हमें 10 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है और कैमरे की तरफ देखे तो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा आपको दोनों 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है। 8000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी इसमें हमें मिल जाती है, जिससे आप लंबे समय तक गेमिंग का मजा ले पाओगे। कनेक्टिविटी में हमें सिर्फ वाईफाई की ही मिलेगी। जी हाँ, इसके अंदर आप सिम कार्ड को नहीं डाल सकते। स्टोरेज की बात करें तो आपको 6 GB RAM और 128 GB का स्टोरेज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। वैसे 8 GB RAM वाला भी वेरिएंट है, लेकिन उसका प्राइस 20K से ज्यादा है। नाउ मैं मेन चीज पे आता हूँ कि इसके अंदर प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Helio G99 मिल जाता है और इस प्रोसेसर से आप एकदम स्मूथ गेमिंग कर पाओगे। पैड के अंदर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये टैबलेट से आप स्मूथ गेमिंग कर पाओगे, प्लस बजट के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है। सो बात करें इसके प्राइस की, तो आपको ये पड़ जाता है 17,000 रुपीज। हमारे लिस्ट का सेकंड टैबलेट है मोटरोला G70 LT, जिसके अंदर हमें 11 इंच की 2K डिस्प्ले मिल जाती है विद 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बैटरी बैकअप की बात करें तो 7700 mAh की बैटरी आपको इसके अंदर मिल जाती है। तो हाँ, काफी लंबे समय तक आप नॉन स्टॉप गेमिंग कर सकते हो। प्रोसेसर MediaTek Helio G90T दिया गया है, जो कि एकदम मस्त प्रोसेसर है। इसके साथ आप स्मूथ गेमिंग का मजा ले पाओगे। स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको नॉर्मल 6 GB RAM और 128 GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसको आप 1 TB तक एक्सपेंड भी कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 है, जो अपग्रेड होकर एंड्रॉइड 12 तक चला जाएगा। प्राइस की बात करें तो आपको ये 17,000 रुपए में पड़ जाएगा। नेक्स्ट टैबलेट है Realme Pad 2। इसके अंदर आपको 11.5 इंच का 2K डिस्प्ले मिल जाती है विद 120Hz की स्क्रीन रिफ्रेश रेट, जो कि स्मूथ गेमिंग में काफी हेल्पफुल है। कैमरे की बात करें तो हमें इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है और उसी के साथ एक और 8 मेगापिक्सल का HD कैमरा। फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है, सो ये कैमरा सेटअप नॉर्मल है, बट प्रोसेसर दमदार है भाई। इसमें आपको MediaTek Helio G99 जैसा मस्त प्रोसेसर मिल जाता है। और बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो Android 13 वर्जन इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। और बात करें बैटरी की, तो भाई साहब हमें इसके अंदर 8360 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिल जाती है। एक बार चार्ज करके भाई साहब पूरे दिन एकदम गेमिंग कर सकते हो आप। और बात करें इसके प्राइस की, तो ये आपको 20,000 का पड़ेगा। सो अगर आप बजट में टैबलेट लेने की सोच रहे हो तो ये टैबलेट आपके लिए बढ़िया चॉइस हो सकती है। हमारे लिस्ट का 4th टैबलेट है Leno Tab M10 FHD Plus, जिसके अंदर हमें 10.6 इंच का डिस्प्ले मिल जाती है। और बात करें कैमरे की, तो 8 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और बात करें इसके बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 7700 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी मिल जाती है, जिससे आप अच्छे खासे समय के लिए गेमिंग कर पाओगे। बात करें इसके प्रोसेसर की, तो हमें इसके अंदर स्नैपड्रैगन HDM680 प्रोसेसर मिल जाता है, जो काफी स्मूथ परफॉर्मेंस देगा गेमिंग करते टाइम। और स्टोरेज हमें वही 6 GB RAM और 128 GB वाली मिल जाती है, जिसको हम 1 TB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसका प्राइस करंटली 19,000 है, तो इसे भी बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे लिस्ट का आखिरी टैबलेट है OnePlus Pad Go, जिसके अंदर हमें 11.35 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है विद 8 मेगापिक्सल प्राइमरी और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 8000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दी गई है, जो कि लॉन्ग टर्म में काफी हेल्पफुल हो सकती है। प्रोसेसर की बात करें, इसके अंदर आपको MediaTek Helio G99 दिया गया है, जो गेमिंग में काफी बढ़िया है। स्टोरेज की तरफ देखा जाए तो इसके अंदर आपको 8 GB RAM और 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। वैसे 256 GB का भी वेरिएंट है, लेकिन उसके लिए थोड़ा बजट बढ़ जाता है 2-3 हजार से। करंट प्राइस फिलहाल इसका 22,000 है। जी हाँ, थोड़ा बजट से बाहर है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि अगर 2-3 हजार एक्स्ट्रा डाल के माल अच्छा मिल रहा है तो पैसे को नहीं देखना चाहिए। बाकी इसका एक और वेरिएंट है जिसमें आप सिम नहीं डाल सकते हो, बोले तो वाईफाई वाला वेरिएंट, उसका प्राइस आपको 20,000 ही मिल जाएगा, तो आप वो 20,000 में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिम कार्ड डालने वाला चाहिए तो फिर आपको 22,000 के लिए जाना पड़ेगा। तो अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी ओवरऑल ये टैबलेट एकदम मस्त है, अगर आप गेमिंग करते हो तो भाई डेफिनेटली खरीदना चाहिए आपको ये। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप इनमें से कौन सा टैबलेट खरीदना चाहोगे जरूर से कमेंट कर देना, और नए होगे तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।